Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. दोस्तों आज इस वीडियो में हम द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 जो आपके सिलेबस में अदर लॉज जो एक पूरा सेगमेंट है उसका एक अलग ही एक्ट है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. इस पूरे अदर लॉज के सेगमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और तीसरा एक्ट है द जनरल क्लॉजेज एक्ट जो नई तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है और इंटरमीडिएट लेवल पर इसको डाला गया है. तो आज इस वीडियो में हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर के बारे में देखेंगे, यानी कि ये पूरा एक्ट की एप्लीकेशन क्या है, एक्ट के अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं और वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे. सो सबसे पहले द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 जो ये एक्ट है उसका मैंने पूरे पीपीटीज में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म जो आपको मिलेगा वो है TGCA. तो जब भी मैं कहूँगा TGCA तो आप एक्ट का नाम समझ जाइएगा. 1897 में ये एक्ट आया था और ये एक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इससे पहले कौन कौन से एक्ट क्या थे और अगर थे तो उन दोनों को मर्ज करके यहाँ पर 1897 वाले एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, प्रेसिडेंट ने अपना साइन किया और ये एक्ट ऑफिशियल गैजेट में आया. उसके बाद में इसकी एप्लीकेबिलिटी हमारे सामने है. अब इंटरमीडिएट लेवल पर जो ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है. वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि नाम है द जनरल क्लॉजेज एक्ट. तो सबसे पहले हम जब ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर की तो हमें ये समझना होगा कि ये जो एक्ट है इसके पीछे का पर्पस क्या है. मींस हर एक्ट को बनाया जाता है और उसके पीछे एक रीज़न होता है. जैसे कि विजय माल्या का केस हुआ एग्जांपल के लिए, तो विजय माल्या के केस के पीछे कुछ न कुछ ऑलरेडी ऐसे लॉज एग्जिस्टिंग थे जिनको तोड़ मरोड़ने की कोशिश की गई. तो फिर एक अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा केस हो चुका है तो लॉ को एक अमेंड करके वापस से सही फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई. उसी तरीके से जितने भी एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. और ये जो एक्ट्स है ये आज के नहीं है, हर सेंचुरी में ये एक्ट चलता आ रहा है और अलग अलग गवर्नमेंट के साथ में ऑलरेडी एक्ट्स थे उनको नया करके अमेंड करके टाइम के साथ अपडेट होते हुए नए नए एक्ट्स लाए जाते हैं ताकि वो टाइम के साथ में अपडेटेड रहे. तो ये सभी चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हम इस ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर वीडियो में ये देखेंगे कि कितने चैप्टर्स में ये एक्ट डिवाइडेड है. मतलब कि TGCA को अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा. सो पहला पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा TGCA का बैकग्राउंड, मीन्स ये 1897 में जो एक्ट आया है उससे पहले कौन कौन से एक्ट थे उनको हटा कर ये एक्ट आया है, हम ये समझेंगे. TGCA जो एक्ट आया है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, कब, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, तो पहले अगर आया है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो किस तरीके से पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन को स्क्रैप करते हुए आगे बढ़ा है और फ्यूचर में जितने भी लॉज या फिर एक्ट्स हैं उनके ऊपर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, ये पूरी कहानी हम समझेंगे बैकग्राउंड में जब हम बात करेंगे TGCA का बैकग्राउंड. फिर अगला हम देखेंगे इसके बाद में कि जब भी हम TGCA को पढ़ेंगे तो हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या है. मतलब कि हर एक्ट जो बनता है उसके पीछे कुछ न कुछ उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका पर्पस होता है. तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, मीन्स TGCA एक जनरल क्लॉजेस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी. तो अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो यह है कि जैसे कि इसका नाम है जनरल क्लॉजेस, यानी कि सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं और क्लॉजेस होते हैं. क्लॉजेस में हम जनरली बहुत सारी डेफिनेशंस रखते हैं, जैसे कि हम हर एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का होता है और उनके क्लॉजेस में एक एक रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस होती है. तो यहां पर एक जनरल तरीके से कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर है और वो किस तरीके से एप्लीकेबल है, वो डेफिनेशंस जनरल क्यों बोली गई है, क्या वो बहुत सारे एक्ट्स पर एप्लीकेबल एक साथ हो सकती है, ये सभी चीजें हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या है इस एक्ट का और ऑब्जेक्ट क्या है. इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो TGCA है ये कहां कहां एप्लीकेबल है, मींस ऐसे कितने सारे एक्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट पढ़ा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है, इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, बहुत सारे इतने एक्ट्स होते हैं. यहां तक कि अगर हम दूसरी लाइन में जाए तो इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, तो यहाँ पर सभी जितने भी एक्ट्स हैं वहाँ पर क्या ये TGCA एप्लीकेबल होता है, ये हम इसके साथ में सेकंड पॉइंट में कवर करेंगे। सो ये ओवरव्यू का वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको सेक्शन वाइज चैप्टर समझ में आ जाए और जिस फ्लो में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपको वन बाय वन क्लियर होते जाएगा। अब इसके बाद में जो हर एक्ट के शुरुआत में डेफिनेशंस होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स बाद में यूज़ किए जा रहे हैं उनको पहले ही एक्सप्लेन किया जाता है। सो यहाँ पर डेफिनेशन जो चलेगी वो सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशंस का यहाँ पर है। यूजुअली सभी एक्ट में सेक्शन नंबर 2 होता है, बट यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 है। अब इसमें भी बहुत सारी कुछ 15 से 20 डेफिनेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एक्ट किसे कहते हैं, प्रीएम्बल किसे कहते हैं, रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो वो क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है, ये सभी अलग अलग तरीके की डेफिनेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3। 2-4A लिखा हुआ है यहाँ पर, सेक्शन 3-4A। अब जो 4 सेक्शन है वो बात करता है जितनी भी फोरगोइंग डेफिनेशंस है वो प्रीवियस इनेक्टमेंट के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है। मींस प्रीवियस इनेक्टमेंट्स मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ऑलरेडी कुछ एक्ट्स थे, या फिर जब 1897 में TGCA आया उससे पहले भी कुछ ऑलरेडी एक्ट स्टेब्लिश्ड थे, तो उनके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है वो सेक्शन नंबर 4 हमको बताता है। सो ये हम इसके साथ में ही देखेंगे सेक्शन नंबर 3-4A। इसके बाद में हमारा सेक्शन नंबर 5 से काम चालू होता है, जिसमें हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में। यानी कि पहला पार्ट तो ये होगा कि लाइफ ऑफ इनेक्टमेंट्स, यानी कि जितने भी इनेक्टमेंट्स है या फिर रूल्स है, एक्ट है, उनकी लाइफ कितनी है। सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनका क्या हुआ, जो आगे आने वाले हैं उनका क्या होगा, ऐसे सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 13 तक हम ये सभी समझेंगे। इसमें दो पार्ट्स में हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। पहला तो लाइफ ऑफ इनेक्टमेंट्स है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा एक्ट कब कमेंस हुआ, मतलब कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, और उसके बाद में हम देखेंगे कि रिपील कैसे हुआ, मतलब कि रिपील मतलब होता है कि वो खत्म कैसे हुआ, वो उसका कैसा वहां से एग्जिस्टेंस से पूरा चले गया, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे सेक्शन नंबर 5-13 में। और दूसरा पार्ट जो है वो रहेगा जहां हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन के रूल्स, मतलब कि रूल्स ऑफ जनरल कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे कि टाइम, डेट, एज, नंबर्स, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये दो पार्ट्स में सेक्शन नंबर 5 से लेकर 13 तक हमारी कहानी बटी हुई है, डिवाइडेड है। अब मैं आपको वन बाय वन अगर बताऊं कि सेक्शन कौन कौन से हैं 6 से लेकर 13 तक, तो हम वो देखते हैं। तो सेक्शन नंबर 5, 6, 7 ये तीनों सेक्शन तो बात कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले पार्ट बताया था, यानी कि इनेक्टमेंट का कैसे कमेंसमेंट हुआ वो हम पहले देखेंगे 5 में, फिर 6 में हम देखेंगे कैसे रिपील हुआ, उसका इफेक्ट क्या होता है, जो रिपील्ड इनेक्टमेंट्स होते हैं, ये 5, 6, और 7 में हम ये कवर करेंगे। उसके बाद में 8 और 9 में जो हम बात करेंगे वो होगी टाइम से रिलेटेड, मीन्स टाइम का कंप्यूटेशन कैसे होता है एक्सेट्रा, ये सब आगे जाके स्टोरी में चेंज होगा जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब कि 10, 11, 12, 13 ये सभी जो रिलेटेड है वो जेंडर से है, नंबर से है, टाइम का कंप्यूटेशन है, डिस्टेंस है, ये सभी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। सो ये हमारा हुआ सेक्शन नंबर 5-13। हमने सबसे पहले TGCA का हमने बैकग्राउंड देखा, हर एक्ट का बैकग्राउंड होता है, फिर हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई टू स्टडी दिस एक्ट, यानी कि पर्पस हमने देखा और ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा है कि सेक्शन नंबर 3-4A तक डेफिनेशन कौन कौन सी कवर हो रही है, देन वी विल सी सेक्शन नंबर 5 से लेकर 13 तक कि जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। अब इसके बाद में हमारी जो सीरीज है नेक्स्ट सेक्शन की वो है सेक्शन 14-19। अब जो हमारे सेक्शंस है सेक्शन नंबर 14-19 उनका नाम है पावर एंड फंक्शनरीज, यानी कि क्या क्या पावर्स किसके पास में है, एक्स ऑफिशियो कौन होता है, पावर्स टू कंफर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम कैसे किया जाएगा, ये सेक्शन 14 एंड 15 इन दोनों के बारे में बात करेगा। देन हम आगे बढ़ेंगे तो 16, 17, 18 और 19 ये जनरली बात करेंगे कि कौन कौन सी पावर है किसी को सस्पेंड करने की, अपॉइंट करने की, कोई ऑफिशियल्स कैसे अपॉइंट होते हैं, ये सभी चीज़ें हम 16-19
में पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने सेक्शन 3 से स्टार्ट किया था और सेक्शन 90 तक हमने मोटा मोटा देख लिया है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ये हमारे ओवरव्यू में कवर हो रहा है। अब इसके बाद में जो मिसलेनियस सेक्शंस बचते हैं वो देखने से पहले एक टॉपिक आएगा पावर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि जितने भी सीजी है ऑर्डर्स है उनका क्या पावर है कि वो दे सकते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स को ऑल्टर कर सकते हैं, तो ये पावर के बारे में हम बीच में बात करेंगे। और फिर एट लास्ट हम देखेंगे हमारे मिसलेनियस सेक्शंस। अब सेक्शन 25 और 26 की हम बात करेंगे, तो सेक्शन 25 ये बोलता है कि जितने भी फाइन्स हैं उनकी रिकवरी कैसे की जा सकती है। 26 भी पेनल्टी से रिलेटेड है, मींस ऐसा क्या प्रोविजन है जो पेनल्टी और पनिशमेंट के बारे में बात करता है। 27 हमने पहले भी कहीं एक्ट में पढ़ रखा है, सर्विस बाय पोस्ट, मतलब कि अगर आप पोस्ट के थ्रू कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उनसे रिलेटेड प्रोविजन क्या होगा। एंड एट लास्ट सेक्शन 30 जो है वो बात करता है कि ऑर्डिनेंसेस के ऊपर ये कैसे पूरा एक्ट एप्लीकेबल है। सो ये हमारे मिसलेनियस सेक्शंस भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इस पूरे ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर वाले वीडियो में हमारा फोकस रहा है कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। सो नंबर ऑफ सेक्शंस को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले डेफिनेशन वाला देखा है हमने 3 to 4A, उसके बाद में हमने देखा है कि कैसे जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर्म किए जाते हैं सेक्शन 5 to 13। उसके बाद में जो अगला बड़ा लॉट है वो है हमारा सेक्शन 14 to 19 का, यानी पावर एंड फंक्शनरीज। उसके बाद में लास्ट में हमारा जितना भी मिसलेनियस है 20 to 25 वाला वो हमने देखा है और 30 तक ये पूरी कहानी हमारी गई है। सो मिसलेनियस सेक्शंस भी इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट यहां पर पढ़ने लायक है। अब द जनरल क्लॉजेस एक्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस होगी। ये जनरल इसके नाम में आ रहा है, मतलब कि ये जनरली बहुत सारे एक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पर इस एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पर्पस है मींस इसके लिए एक्ट बना है तो वो हम जब तक नहीं देखेंगे हमको समझ में नहीं आएगा TGCA का मतलब क्या है। सो आपके सिलेबस में ये नए तरीके से ऐड हुआ है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पर्पस और ऑब्जेक्ट क्या है, देन वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, बट उससे पहले हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर भी समझना पड़ेगा। सो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया है ओवरव्यू में कि हम बैकग्राउंड समझेंगे और पर्पस ऑफ द एक्ट समझेंगे, ऑब्जेक्ट उसके साथ में क्या है। देन एट लास्ट हम देखेंगे कि ऐसे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है जो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें रूल्स को और एक्ट को पढ़ना है तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कीजिए, पढ़ते रहिए, पास होइए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।